मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ठोसों में ऊर्जा बैंड के बारे में, जो कि आपको ग्रेजुएशन लेवल के लिए भी इंपॉर्टेंट रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, जैसा कि हम जानते हैं कि हर एक चीज परमाणु से मिलकर के बनी हुई है, बहुत छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिनसे कोई भी चीज मिलकर बनी होती है और उन्हें हम कहते हैं परमाणु। तो परमाणु कुछ इस तरह का बना होता है कि परमाणु के मध्य में, बिल्कुल बीच में, प्रोटोन और न्यूट्रॉन भरे रहते हैं। अब प्रोटोन और न्यूट्रॉन बिल्कुल बीच में भरे रहते हैं, प्रोटॉन पे आपका पॉजिटिव चार्ज रहता है जिसके कारण नाभिक पे ओवरऑल प्लस चार्ज आ जाता है। इलेक्ट्रॉन पे आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर गति करते हैं बंदवर्ती कक्षाओं में, इनके ऊपर माइनस चार्ज होता है। तो हमने क्या जाना कि हर एक चीज परमाणु से मिलकर के बनी हुई है, हर एक चीज बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई है जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु के मध्य में नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भरे रहते हैं, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन बंदवर्ती कक्षाओं में गति करते हैं। तो ये होता है हमारा परमाणु। अब जैसा कि हमने कहा था कि हर एक चीज परमाणु से मिलकर के बनी हुई है, तो जाहिर है जो ठोस संरचनाएं हैं, जैसे कि आप एक लोहे की प्लेट को ले लीजिए, तब वो भी इस कंडीशन में लोहे के टुकड़ों से ही मिलकर के बनी होगी। जो लोहे की आपकी एक शीट ले लीजिए या कोई टुकड़ा ले लीजिए किसी भी धातु का, जाहिर सी बात है कोई भी ठोस चीज परमाणु से मिलकर के ही बनी होगी। अगर कोई भी चीज परमाणु से मिलकर के बनती है तो उसमें होता क्या है, देखिए हमने बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ा था कि इसमें क्या होता है, अणु या परमाणु बहुत पास पास में आ जाते हैं और जिसकी वजह से ये ठोस की संरचना लेता है। ये चीज हम पहले जानते हैं पुरानी क्लासेस से कि परमाणु जो ठोस रहते हैं, जो सॉलिड्स, उनमें आपके परमाणु बहुत 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 पास रहते हैं, परमाणु या फिर आप अणु भी बोल सकते हैं, परमाणु और अणु बहुत ज्यादा पास पास रहते हैं जिसके कारण क्या होता है कि ये ठोस संरचना ले लेते हैं। लिक्विड यानी कि जो तरल होते हैं उनमें ये दूर दूर होते हैं और गैसेस में बहुत ज्यादा दूर होते हैं। ये चीज हम पुराने हिसाब से जानते हैं। तो हम अब यही बात आपको यहां दिखाएंगे। जैसे कि मान लीजिए ये कोई सॉलिड टुकड़ा है किसी भी चीज का, धातु का, किसी का भी सॉलिड, तो इसमें क्या है कि ये भी परमाणुओं से मिलकर के बना होगा और परमाणु की संरचना कुछ इस तरह से होती है। जब परमाणु पास पास आते हैं तो होता क्या है कि ये एक दूसरे की कक्षाओं पे ओवरलैपिंग करने लगते हैं, पास पास ज्यादा आ जाते हैं, काफी घिचपिच होती है। उस कंडीशन में क्या रहता है कि एक परमाणु है उसके ऊपर दूसरे परमाणु की आपकी वो आ रही है, एक परमाणु है उसके ऊपर दूसरे परमाणु की बाहरी जो कक्षाएं रहती हैं ये आ रही हैं, या ये पास पास काफी हो जाते हैं। जैसे कि ये मैंने इनके इलेक्ट्रॉन बता दिए, ये इनके आपके देख सकते हैं नाभिक हैं, तो ये काफी पास पास रहते हैं। अब होता क्या है, देखिए कि ये काफी पास पास रहते हैं तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्रिया होती है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के बीच में क्रिया होती है, नाभिक नाभिक के बीच में क्रिया होती है। ओवरऑल ये है कहने का मतलब कि यहां पर क्या होता है, नाभिक नाभिक के बीच, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच, इलेक्ट्रॉन नाभिक के बीच आपकी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। अच्छा, इसके कारण क्या होता है कि देखिए अब दोबारा थोड़ा सा पीछे चलते हैं। हर एक चीज परमाणु से मिलकर बनी हुई है, बीच में नाभिक रहता है, इसके चारों इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहां गति करता है, इसकी गति यहां करने वाली गति में और यहां करने वाली गति में अंतर होता है, क्योंकि यहां पे कई नाभिक आपके नाभिक नाभिक में, नाभिक इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में आपकी अन्योन्य क्रियाएं होती हैं, बहुत सारी क्रियाएं होती हैं जिसके कारण इनकी गति भी प्रभावित होती है। अब हमें एक बात और पता है कि एक कक्षा के कई ऊर्जा स्तर होते हैं, एक ही कक्षा में कई ऊर्जा स्तर होते हैं। उन ऊर्जा स्तरों में अब क्या होता है, जैसे कि ये नाभिक इलेक्ट्रॉन है तो इस कक्षा के कुछ उप ऊर्जा स्तर भी होंगे, ऊर्जा स्तर होंगे। अब जब ये पास आकर के एक नई संरचना बना देते हैं तो होता क्या है कि इनके ऊर्जा स्तरों में विक्षोभ आ जाता है। ये जो आपके जो परमाणु पास पास आकर के एक सॉलिड को रचना बना, सॉलिड की आकृति देते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है इनके ऊर्जा स्तरों में। दोबारा समझ लीजिए, हर एक चीज परमाणु से मिलकर बनी हुई है जिसके बीच में नाभिक होता है जिसके चारों इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन अकेले में गति करने की जो कंडीशन होती है वो अलग होती है, और जब कई एक साथ होते हैं तो उनमें गति करने की कंडीशन अलग होती है, गति प्रभावित होती है, गति में अंतर आता है, पहले जैसी सेम टू सेम नहीं रहती। दूसरी बात यह है कि इलेक्ट्रॉन का अपना एक ऊर्जा स्तर होता है, एक ही मान के चलिए कोई एक ही कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन है तो उनके ऊर्जा स्तर अलग अलग होंगे।
तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के अपने ऊर्जा स्तर होते हैं। अब जब हम इन्हें, जब बहुत सारे आपके परमाणु एक पास आकर के एक सॉलिड को रचना देते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास आ जाते हैं, जिसकी वजह से नाभिक नाभिक इलेक्ट्रॉन 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 नाभिक के बीच में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, जिसकी वजह से इनकी जो पहले गति थी अब वो पहले जैसी गति नहीं रहती, गति में अंतर आ जाता है पहली बात। दूसरी, इनके जो ऊर्जा स्तर होते हैं उनमें अंतर आता है, तो इनके ऊर्जा स्तरों में विक्षोभ आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है एक ऊर्जा स्तर कई छोटे छोटे ऊर्जा स्तरों में टूट जाता है। अब ये एक ऊर्जा स्तर का बहुत सारे छोटे छोटे ऊर्जा स्तरों में टूटता है, ये बैंड का रूप ले लेता है, इसलिए इन्हें कहते हैं ठोसों में ऊर्जा बैंड। आपसे कोई पूछे ठोसों में ऊर्जा बैंड के बारे में, तो आप उसमें थ्योरी ये लिखेंगे, हम जानते हैं प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना हुआ है, परमाणु के मध्य में नाभिक होता है, इसके चारों इलेक्ट्रॉन बंधुवर्ती कक्षाओं में गति करते हैं, नाभिक की गति करने की दिशा अलग होती है। नाभिक, अब आप इतना ही लिख लीजिए सबसे पहले कि हर एक चीज परमाणु से मिलकर बनी हुई है, जिसमें जिसके बीच में नाभिक होता है, इसके चारों इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। अब बहुत सारे परमाणु मिलकर के किसी ठोस की रचना करते हैं, जब बहुत सारे परमाणु मिलते हैं आपस में तो वो एक ठोस की रचना करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि इनके इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, या आप इसे ऐसे कहिए कि ठोस, बहुत सारे परमाणु मिलकर एक ठोस की रचना करते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन की गति प्रभावित होती है। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अकेले में गति करता है और यहाँ इन सबके साथ में गति करता है, इसकी इलेक्ट्रॉन की गति प्रभावित होती है, साथ में इसके ऊर्जा स्तरों में विक्षोभ आता है, ऊर्जा स्तरों में अंतर आता है, विक्षोभ आता है। ऊर्जा स्तरों में विक्षोभ आने के कारण, इसके अलग अलग ऊर्जा स्तरों में विक्षोभ आता है, विक्षोभ आने के कारण एक ऊर्जा स्तर कई छोटे छोटे ऊर्जा स्तरों में टूट जाता है और एक बैंड का रूप ले लेता है, जिसे हम ठोसों में ऊर्जा बैंड कहते हैं, ये ऊर्जा के बैंड के रूप में होते हैं। तो आप बोल सकते हैं, दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, हर एक चीज परमाणु से मिलकर बनी हुई है, इसके बीच में नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भरे होते हैं, इसके चारों इलेक्ट्रॉन बंधुवर्ती कक्षाओं में गति करते हैं, जब बहुत सारे परमाणु मिलकर के किसी एक ठोस की रचना करते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन 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 नाभिक नाभिक इलेक्ट्रॉन के बीच में बहुत सारी अन्योन्य क्रियाएं होती हैं, यह बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, जिसके कारण इसकी गति प्रभावित होती है और पहले जैसी नहीं रहती, इसमें कुछ अंतर आ जाता है, साथ में ऊर्जा स्तरों में भी विक्षोभ आ जाता है, ऊर्जा स्तरों में भी विक्षोभ आ जाता है, और एक ऊर्जा स्तर कई छोटे छोटे ऊर्जा स्तरों में टूट जाता है, जो कि ऊर्जा बैंड का रूप ले लेता है। तो ये है आपका ठोसों में ऊर्जा।